वहीं बिहार की ही मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां बिहार विशेष निगरानी यूनिट की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। तलाशी के दौरान यहां से 70 लाख रुपए नकद, 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। इसके अलावा कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए। उन पर मगध और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए सामान खरीदी और नियुक्ति के मद में 30 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप है। इसके बावजूद उन्हें अभी तक पद से हटाया नहीं गया। सरकार का कहना है कि इस पर कोई भी फैसला राज्यपाल की सहमति से ही होगा। जहां तक उनके हटाने या रखने की बात है, तो अभी तो वो छुट्टी पे गए हैं और ये चूंकि कुलाधिपति महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी चीजों के और स्पष्ट हो जाने की प्रतीक्षा में है। सवाल है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इन कुलपतियों को बचाया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? इस बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ में तलब किया गया। चर्चाओं के मुताबिक इसकी वजह कुलपति पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं, लेकिन राज्यपाल खुद इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। तो ये हाल है बिहार का, जहां 15-16 सालों से राज्य सरकार दावा करती आ रही है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है और बिहार को देश में अग्रणी राज्यों में लाने की पहल की जा रही है। पर अगर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चौपट क्यों है, तो इसकी सबसे पहली वजह है कि वहां पर प्रोफेसर्स की भारी कमी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद 3 विश्वविद्यालय के वीसी बन चुके हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात की जानकारी हो रही होगी कि कितनी दिक्कतें आती हैं जब विश्वविद्यालय में शिक्षक न हो और तंत्र पूरी तरह से चौपट हो। बिहार के विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेजों में लगभग 12,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल से 6,000 टीचर ही पढ़ा रहे हैं, यानी लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद कुलपति बजाय विश्वविद्यालय के हालात सुधारने के भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। सवाल है, इन सब के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? ABP News आपको रखे आगे।